बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसीयत करने की हिकमत क्या है कि आदमी वसीयत करे? वसीयत की मुतअद्दिद हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि इंसान के इंतकाल के बाद विरासत कराबत की बुनियाद पर तकसीम होती है, न कि ज़रूरत के पेश नज़र। यानी जो मैयत से जितना ज़्यादा करीब होगा रिश्ते के एतबार से, उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। खा दूसरा कोई बंदा रिश्तेदार से ज़्यादा गरीब ही क्यों ना हो। लेकिन शरीयत इस्लामिया ने इंसान को ये तरगीब दी है कि अगर कोई शख्स अपने रिश्तेदारों में से किसी को मदद का ज़्यादा मुस्तहिक समझता है और उसको मीरास में हिस्सा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए अपने एक तिहाई माल में वसीयत कर सकता है और उसके लिए वसीयत करें। मसलन किसी शख्स के किसी बेटे का इंतकाल हो गया और पोता पोती हयात है, उसके ज़िंदा हैं, तो इंसान को चाहिए कि वो अपने जायदाद में से एक तिहाई माल तक या उस एक तिहाई माल में से कुछ हिस्से का अपने यतीम पोते और पोती को वसीयत कर जाए। और अल्लाह ताला ने भी सूरत अन्निसा में इसकी तरगीब दी है, क्योंकि वालिद की मौजूदगी में, वालिद के ज़िंदा होते हुए किसी बेटे का इंतकाल हो जाए तो डायरेक्ट पोते पोती को और उसकी बीवी को हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि बेटा बाप से वारिस बनता है। और अगर बेटा बाप के ही हयात में, ज़िंदगी में फौत हो जाए, तो विरासत में उसके बीवी को और उसके बच्चों को कोई हिस्सा नहीं मिल पाता। हाँ, वरसा अपनी तरफ से दे दे तो वो भी ठीक है, और देना भी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, दूसरे भाई वगैरह उनकी मदद करें। और उसके वालिद को भी चाहिए कि अपने फौतशुदा बेटे के औलाद को, अपने पोते पोती को और उसकी बीवी को अपने माल में से कुछ वसीयत कर जाए, ताकि वो भी बेयारो मददगार ना रहे। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। दोस्तों, सादिक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार।